तो अब जा रहे हैं यार हम अग्नि तीर्थ में स्थान कर, वो स्नान करने, अग्नि तीर्थ हम मंदिर में जाने से पहले वहाँ समुंदर है वो, तो वहाँ पे मतलब पहले स्नान करते हैं, वो समुद्र है, अग्नि तीर्थम जगह का नाम है, पास में ये बिल्कुल मंदिर के, मंदिर भी होटल के बहुत ही पास है। उसके बाद वहाँ स्नान करने के बाद फिर जाएंगे मंदिर में दर्शन करने। तभी चलते उधर को आपको दिखाता हूँ क्या सीन है वहाँ, या आसपास की लोकेशन है। तो ये है भाई मंदिर, कितना प्यारा लग रहा है भाई। पहले स्नान करना है, अभी दर्शन नहीं करने। ये बहुत ही खूबसूरत है भाई, बहुत। तो यहाँ पे लिखा हुआ है और बाथिंग, साउथ गेट है ये, तो बाथिंग के लिए इधर जाना है, मतलब नहाने के लिए पहले इधर जाना है, उसके बाद साउथ गेट से एंटर करना है, दक्षिण मार्ग है ये, पहले सीधा जाना है, सामने ही है बिल्कुल, वहाँ आकर नहाना है। तो पहले नहाने चलते फिर जाएंगे दर्शन करने। ये आ गया धनुषकोडी, 25 किलोमीटर है भाई, और ये सामने मतलब वही है मंदिर का ही कैंपस है सारा। किसी से पूछो तो भाई से पूछो ना, ये है मंदिर का क्या खूबसूरती है। खिंचवाएंगे ना, वैसे कपड़े पहनेंगे ना जब, तब खिंचवाएंगे, अभी कपड़े ऐसे है ना। ये लिखा है यहाँ पे दर्शन बाद में, पहले इस साइड अग्नि तीर्थम, तो वहां चलते हैं अभी। तो पहले जा रहे हैं भाई समुद्र स्नान करने, ये रहा मंदिर, इसके ठीक सामने से रोड जा रही है, देख लेना आप, लोगों को फॉलो कर लेना, लोग जा ही रहे हैं उधर को। ये धोती वगैरह है, ये आ गए भाई हम अग्नि तीर्थम। बिल्कुल इसी रोड पर सामने मंदिर है ये, और यहाँ आ गया अग्नि तीर्थम, पहले यहाँ स्नान करना है। ये लिखा है आया आया, भीड़ है भाई, देखते हैं आप कहाँ दर्शन करते हैं। यही है पूरा एरिया, पहले यहाँ पे दर्शन कर लो आप, फिर मंदिर। तो पहले यहाँ पे स्नान करो, करते हैं पहले यहाँ पे स्नान करते हैं, यहाँ पूरी पूजा वगैरह चलती है। चलते हैं यहाँ पे स्नान करना है, सामने सूर्य भगवान है। लोग कर रहे हैं
यही है भाई अग्नि तीर्थम ना। ये भाई चार दरवाजे हैं, कहीं से भी आ सकता है इन चार दरवाजों में। और यहाँ पे आके पहले यहाँ पे स्नान करना है, यहाँ पे स्नान करते हैं। यहाँ पे मतलब समुद्र में आपको स्नान करना पड़ता है, पहले मंदिर जाने से पहले समुद्र में स्नान करते हैं। यहाँ पर ना सेफ्टी सी नहीं है, डरता नहीं लग रहा यार है, मतलब वो कहना नीचे तो ये भाई अग्नि तीर्थम में स्नान कर लिया है। डर सा लग रहा है यार जाने में, एक तो आता नहीं ना बिल्कुल तैरना वगैरह, देखो। लेकिन स्नान कर लिया, चलते हैं 22 कुंड के स्नान करने, जो कि बहुत ज़रूरी है मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो 22 कुंड के दर्शन बहुत ज़रूरी है, सही लगा ना? चलते हैं उधर को। तो भाई स्नान करके अब जा रहे हैं 22 कुंड के स्नान करने, यहाँ स्नान कर लिया। तो भाई वापस आ गए, मतलब यहाँ पे अग्नि तीर्थम का स्नान करके अब जाना है कुंड में स्नान करने। भाई पता करने गए हैं कुंड में स्नान के लिए कहाँ जाना है, पूछो पूछो। अच्छा इधर को जाना है, चलते हैं इधर को। जा रहे हैं कुंड में स्नान करने, जो 22 कुंड है वहाँ। ये आ गए चलते चलते वे टू तीर्थम, तीर्थ स्नान जाने का मार्ग। चलते हैं कितने लिखे हैं, 22-25 रुपए लिखे हैं इसमें, चलो देखेंगे। और उतार दिए यहाँ एक तरफा है भाई, बहुत खूबसूरत कॉरिडोर है ये, बहुत खूबसूरत कॉरिडोर है भाई। इसे अलाउड नहीं है यार, इतना प्यारा कॉरिडोर है। भाई काफी मेहनत के बाद ये 22 कुंड का जल इकट्ठा कर लिया हमने, क्या भव्य मंदिर है। लेके चलते हैं इसको, सबको देंगे यार अपने साइड ना, 22 कुंडों का जल है इसमें। तो रामेश्वरम मंदिर में विजिट करके आ रहे थे भाई, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है ये। अब वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं है, मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूँ। सबसे पहले आपको जाना होता है अग्नि तीर्थम में, बिल्कुल पास में ही है सब। अग्नि तीर्थम मतलब समुद्र में स्नान करना होता है, उसके बाद आप जाते हो 22 कुंड में। वो पानी ला भी सकते हो, मैंने दिखाया है, मैं फ़ोटो भी डाल दूँगा। तो 22 कुंड का पानी ला जाता है, लोग खड़े रहते हैं, वो कुएँ जैसे होते हैं, मतलब पानी निकाल निकाल के आपके ऊपर डालते रहते हैं। तो उसके बाद जब आ जाओगे, उसके बाद तैयार होकर आप जाते हो अंदर रामेश्वरम के दर्शन करने। बहुत ही प्यारा मंदिर है भाई, स्पेशल लाइन है और एक क्विक दर्शन है। तो वैसे तो फ्री है विजिट करना, लेकिन अगर आपको स्पेशल लाइन लेनी तो 100 रुपये और क्विक दर्शन करने हैं तो 200 रुपये। तो ये कुछ चार्ज है, लेकिन बाकी मंदिर बहुत खूबसूरत है भाई, जाओगे आपको मज़ा आ जाएगा। वैसे लोग नॉर्मल भी जाते हैं, वरना आप धोती वगैरह पहन के जा सकते हो, और बाकी आप लोगों से पूछ सकते हो, मज़ा आ गया। अंदर वीडियो का फैलाउट थोड़ा बहुत मैंने बनाया है, वो मैं वीडियो में डाल दूंगा।
काफ़ी मज़ा आया बिकॉज अब जा रहे हैं कुछ खाने वगैरह, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाने के लिए, वो दिखाऊंगा। यहाँ आ गए भाई, ये रहा मंदिर, और ये मंदिर के सामने ही है ये भोजनालय अग्रसेन भवन। देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है, कितने का मिलता है। सही लग रहा है देखने में तो यार, एक खाना देखते हैं क्या सिस्टम है। तो ये ले लिया भाई कूपन 100 रुपये एक का, ये खाना है, दो सब्जी दाल चावल। बढ़िया जगह है, मतलब शुद्ध शाकाहारी खाना है भाई, क्या चाहिए। और इसके बगल में कैंटीन है, चलते भी खाना दिखाता हूँ आपको। देखने में तो भाई वाइब सही आ रही है, खाना भी ठीक ही लगेगा मुझे लग रहा है। देखना यार क्या बेकार है, रोटी बहुत प्यारी है यार, ये बहुत टाइम बाद रोटी देख रहा हूँ मैं तो। अभी चावल भी आने हैं भाई, ये तीन दाल, दो सब्जी, पुदीने की चटनी, दही, रोटी और चावल, और अनलिमिटेड है, मतलब जब तक पेट ना भरे तब तक खाओ भाई। क्या चाहिए बताओ, भगवान ही है बिल्कुल, अनलिमिटेड है, जितना खाना है उतना खाओ। चावल भी आ रहे हैं अभी, ये धर्मशाला का नंबर है अग्रसेन भवन, आप कॉल कर सकते हो इसमें, बढ़िया है, मतलब कॉल कर लेना आप इसमें, अपना रूम वगैरह बुक कर सकते हो कॉल करके, और खाना तो स्वादिष्ट है, खाना खाने आ सकते हो। ये रहा सामने मंदिर, याद रखना आप, ये साउथ गेट, ये सामने ही है। ये चलते अब खा पी लिया, आप देखते कहाँ को जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।